हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा आपका शामक कुकिंग में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज हमारी जो रेसिपी है बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। बच्चे बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। बच्चों की तो बहुत फेवरेट होती है, मगर बड़े भी इसको बहुत लाइक करते हैं। फ्रेंड, देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए हमें। हमें सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस चाहिए और चीज़ चाहिए। हमने दो तरह का चीज़ लिया, एक मोजरेला चीज़ लिया और ये डाइस वाला चीज़ लिया है। और ये हम चिली फ्लेक्स लेंगे इसमें, और ये हमारी टमाटो सॉस है, और ये हमने सेजवान सॉस है, और ये हमने कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं, और ये मिक्स हर्ब लिया है, और ये हमने कुछ काली मिर्च लिए हैं और नमक लिया है। ये हमारे वेजीज है, पनीर हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया और कैप्सिकम हो गया। तो आप कोई सी भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, मशरूम, ऑलिव्स और कॉर्न, जो भी आप यूज़ करना चाहें। मेरे पास यही थी तो मैं इनसे ही बनाऊँगी। चलिए फ्रेंड, बनाते हैं बिल्कुल यम्मी, फुल ऑफ चीज़, पूरा भरा हुआ चीज़ के साथ एक अच्छा सा पिज़्ज़ा तैयार करते हैं हम सब मिलके। फ्रेंड, ये पिज़्ज़ा हम ओवन में नहीं बनाएंगे, ये पिज़्ज़ा हम केवल कढ़ाई में बनाएंगे। चलिए फ्रेंड, बनाते हैं। ये हमने बेस लिया है, पिज़्ज़ा बेस लिया है। इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे अपना टमाटो सॉस, अच्छे से चारों तरफ लगा लेंगे। बच्चों को तो किसी भी टाइम दे दो, पिज़्ज़ा खाने के लिए तैयार है, खाना भी छोड़ देते हैं एक बार को। इसलिए आज मैं अपनी बेटी के कहने पे, बेटी को बहुत मन हो रहा था खाने का, कहने लगी मम्मी पिज़्ज़ा बना दो मेरे लिए, मैंने उसके कहने पे आज पिज़्ज़ा तैयार किया है। ये हमारी टमाटो सॉस लग गई। इसके बाद हम अपनी लेंगे सेजवान सॉस, जो थोड़ा टमाटो सॉस तो थोड़ा मीठा हो गया, ये चटपटा हो जाएगा, थोड़ा स्पाइसी सा फ्लेवर हो जाएगा मिलजुल के, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। फिर अब हम इसमें अपना चीज़ ले रहे हैं, चीज़ डालेंगे। चीज़ को भी चारों तरफ फैलाइए अच्छे से। अच्छे से हमने भर दिया है पूरा। अब इसके ऊपर हम मोजरेला चीज़ भी लेंगे, वो हम कद्दूकस करके लेंगे। मोजरेला चीज़ डालेंगे फ्रेंड्स, हमने मोजरेला चीज़ भी डाल दिया इसके ऊपर कद्दूकस करके। अब डालेंगे हम इस पर अपनी हर्ब्स, डालेंगे थोड़ा, हमने मिक्स हर्ब लिया है ओरिगैनो के साथ, मिक्स आते हैं, हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे नमक, हल्का सा काले मिर्च और अपना चिली फ्लेक्स। अब थोड़ा सा हम पुदीने के पत्ते डालेंगे, जो अपना एक अलग सा फ्लेवर देते हैं, जब ये मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें अपनी वेजीज लगाएंगे। ये हम पनीर लगा रहे हैं, पनीर हमने मसाले वाला लिया है, आप प्लेन वाला भी यूज कर सकते हैं। एक बार जरूर बनाइएगा। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे अपना। फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर रेड पेपर भी यूज कर सकते हैं, रेड, येलो, ऑलिव्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब बहुत अच्छी लगती हैं। ये हमारे टमाटर लग गए सब। अब इसके ऊपर हम ओनियन डालेंगे अपना। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब लास्ट हमारा रह गया शिमला मिर्च। अच्छे से डालेंगे जिससे स्टफिंग खाने में अच्छा लगे।
फ्रेंड ये तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये देखिए अब हम इसमें ऊपर से एक बार मिक्सर डाल देंगे, अपना काली मिर्च डाल देंगे, हल्का सा नमक डाल देंगे और अपनी चिली फ्लेक्स डाल देंगे और अब ऊपर से अब इसके ऊपर चीज़ मोजरेला चीज़ कद्दूकस करेंगे। हमने चीज़ से पूरा भर दिया है मोजरेला चीज़ से और दोनों तरफ की चीज़ यूज़ करी थी हमने, इसके ऊपर पूरा भर दिया है। और इधर हमने कढ़ाई गर्म कर रखी है अपनी नॉनस्टिक कढ़ाई, उसमें हल्का सा बटर डाला है और अब इसको हम उसमें सिकने के लिए रखेंगे और 5 मिनट या 6 मिनट तक के लिए उसको सिकने देंगे। हमने उसको कढ़ाई में डाल दिया है, अब इसको 5-6 मिनट के लिए ढक के बनाएंगे और वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्रेंड देखते हैं 5-6 मिनट के बाद पिज्जा हम चेक कर लेते हैं, हमारी चीज़ अभी थोड़ी बहुत रही है, ज़्यादा नहीं मेल्ट हुई है, 1-2 मिनट और पका लेते हैं ढक के। फ्रेंड्स अब हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे कढ़ाई से। फ्रेंड्स हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है, इस पर हम ओरिगेनो डालेंगे ऊपर से थोड़ा। अब थोड़ा सा चिली फ्लेक्स देखते हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम इसको पिज्जा कटर से कट कर लेंगे। फ्रेंड हमारा पिज़्ज़ा बन तो गया, अब इसे थोड़ा सा हम गार्निश कर लेते हैं काले मिर्च, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और सॉस। और ये हमारी होगी बेजल लीव। लग रहा है ना फ्रेंड अच्छा, ये हमारा पिज्जा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो पिज्जा की तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।